अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हमज़ा है। मैंने YouTube पे एक नया चैनल शुरू किया है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैथ को आसानी से समझा जा सकता है। मैथ में मुख्तलिफ इक्वेशंस, फार्मूलाज और लॉज इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ और क्यों इस्तेमाल होता है। मैं अपनी वीडियोज़ में क्लास 9th 10th इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 की एक्सरसाइज हल करके दिखाऊँगा। तो ये सब समझने और देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हमजा है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 शुरू इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि इसका सिलेबस जो है हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं जो हमें पहले से पता हैं, तो इसलिए ये वाला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। और बोर्ड के पेपर के हवाले से भी 9th और 10th चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो चलते हैं पहले 9.1 की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 30 डिग्री। वो कहता है डिग्री में वैल्यूज दी हुई हैं, इसको चेंज करना है रेडियन। तो रेडियन में चेंज करने का तरीका ये होता है, मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को पाई बाय 180 के साथ, 0 0 काट गया, 3 का टेबल जाएगा 6 टाइम, तो पाई बाय 6 यह हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडियन। उसके बाद एक और इसका पार्ट करते हैं नंबर 4 वाला, 75 डिग्री। बिल्कुल सेम उसी मेथड के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 डिग्री के साथ, 5 का टेबल इस पर जा रहा है 15 टाइम जाएगा, और इस पर 5 का टेबल जाएगा 6 टाइम। अब इस पर 3 का टेबल जाएगा 5 टाइम, इस पे 3 का टेबल जाएगा 12 टाइम, बाकी बचे हमारे पास 5 पाई बाय 12। अब इससे आगे ये और कटिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे कोई पाई की वैल्यू नहीं रखनी, यहाँ पे जो भी पाई में वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास रेडियन में वैल्यूज आ जाएगी। अब इसका एक और पार्ट करते हैं, जैसे कि 135 है पार्ट नंबर 8, 135 डिग्री। तो इसको उसी तरह रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको दोबारा से लिख लेते हैं, 135 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 5 का टेबल जा रहा है इस पर 5 2 10 5 7, और बाकी यहाँ पे जा रहा है 36 टाइम, यानी कि 27 पाई बाय 36। अब 9 का टेबल इस पर 3 टाइम, 9 का टेबल इस पर 4 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4, तो ये आंसर आ गया रेडियन। अब यहाँ तक क्वेश्चन थे सिंपल डिग्री में। अब नेक्स्ट इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो इससे थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, तो उन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसका पार्ट नंबर 10 है, पार्ट नंबर 10 है 10 डिग्री 15 मिनट। तो सबसे पहले इस मिनट को खत्म करना है। एक बार अगर लिखी हो किसी भी नंबर के ऊपर, एक बार हो तो उसको कहते हैं मिनट, अगर दो बार हो ऐसे तो उसको कहते हैं सेकंड। तो यहाँ पे मिनट तक है, तो इसको पहले मिनट खत्म करते हैं। मिनट खत्म करने का तरीका क्या है, जो मिनट वाली वैल्यू है उसको प्लस कर लेते हैं। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो जितने सेकंड होते हैं उतने से उसको डिवाइड करते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड करते हैं, 15 1 15 4, यानी 15 का टेबल इस पर 4 टाइम जाता है, तो बच जाएगा हमारे पास 10 प्लस 1 बाय 4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, 1 का टेबल इस पर 4 टाइम जाता है, तो 4 10 से मल्टीप्लाई होगा 40, सेम है, सेम एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह आ जाती है, तो यहाँ पे आ गई हमारे पास 41 बाय 4, हमारे पास आंसर आ गया 41 बाय 4 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 41 पाई डिवाइडेड बाय 4 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन रेडियन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मिनट और डिग्री वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया। सबसे पहले इसको क्या करना है, मिनट को खत्म करने के लिए उसको प्लस कर लेंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड करके बाकी सारी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कोई एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं 13 वाला, 120 मिनट 40 सेकेंड।
तो जैसे कि हम मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे मिनट हो उनको प्लस में लिख लेना है। अब यहाँ पे मिनट था, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो इसको 60 से डिवाइड कर दिया, अब सेकंड्स आ गए। तो अब हम देखेंगे कि टोटल एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। जहाँ पे सेकंड आ जाए वहाँ पे उसको डिवाइड करना है 3600 से, 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो जहाँ पे दो बार आ जाए तो वहाँ से उसको डिवाइड करना है 3600 से, यानी कि 3600 से। अब इसको डिवाइड, इसका टेबल इस पर जाएगा जी, कितने टाइम लगेगा? 2 टाइम। यहाँ पे 2 बज गया, ये और ये 00 कट गया, इस पर 2 का टेबल जाएगा 180। अब 2 1 2, इस पर जाएगा 90 टाइम। तो बाकी बच गया 1/90, 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। 1 का टेबल 90 पे 90 टाइम रहता है, 92 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 आ जाएगा प्लस 1, आंसर आ गया 181/90। 181/90 डिग्री में आंसर आ गया। तो इसको रेडियन में चेंज करने का वही तरीका है, पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा? 181/90, अब 90 और 180 को कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180, तो आंसर आ गया 1600। 90 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 16 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसमें? रेडियन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी के ऑपोजिट है। हमारे पास रेडियन में वैल्यू दी होगी और हमने चेंज करना उसको डिग्री में। रेडियन में क्या वैल्यू है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, पार्ट नंबर 1 है इसका, पाई बाय 8। पाई बाय 8 को हमने चेंज करना है रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने का उसी के उलट तरीका है, यानी वहां पे हम मल्टीप्लाई करते थे पाई बाय 180 से, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। पाई बाय 8 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, ये और ये कट गया। इस पे 4 का टेबल जाएगा 2 टाइम, इस पे 4 का टेबल जाएगा 45 टाइम, यानी कि 45 बाय 2 आ गया। 2 का टेबल इस पे जा रहा है 22.5 टाइम, तो 22.5 डिग्री ये इसका डिग्री में। अब नेक्स्ट करते हैं, इसका एक और पार्ट कर देते हैं, एक दो पार्ट और करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इसका कोई माइनस वाला इक्वेशन करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है छठा इसका पार्ट है 2π/3। एक और पार्ट इसका लिख लेता हूँ मैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है 5π/6, और एक और पार्ट इसका लिख लेता हूँ 15 नंबर वाला, वो है जी 19π/32। सेम मेथड है इसलिए कि दो दो या तीन क्वेश्चन एक पार्ट की तरह हूँ, बहुत ही आसान पार्ट्स हैं। 2π/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π के साथ, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 का टेबल इस पे जाएगा 60 टाइम, 62 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 डिग्री ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5π/6 मल्टीप्लाई 180/π, पाई पाई कैंसिल हो गया, 6 का टेबल इस पे जा रहा है 30 टाइम, 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 आ जाएगा ये इसका आंसर आ गया डिग्री में। अब इसको करते हैं 19π/32 मल्टीप्लाई 180/ पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, 4 का टेबल इस पे जाएगा 8 टाइम, 4 का टेबल इस पे जाएगा 45 टाइम। अब हमने क्या करना है, 19 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 8। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 19 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 19 मल्टीप्लाई 45, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 55। इसको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, डिवाइडेड बाय 8, 106.875 डिग्री, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डिग्री में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock. इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है जो हमारी हैंड वॉच होती है उसमें 4 PM पे कौन सा एंगल बनेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 से पहले यहाँ पे घड़ी ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह. वो कहता है घड़ी पे 4 बजे हैं, तो बताएं कि ये वाला जो 4 बजे की सुइयां हैं इसमें कौन सा एंगल बन रहा है. तो ये हमने बताना है. इसके बाद हमें ये बता होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें 90, 180, 270 एंड 360. अब घड़ी पे टोटल घंटे कितने हैं? 12, यानी कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद 12 घंटे कंप्लीट होते हैं. और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, इस पे अगर पूरा एक चक्कर कंप्लीट करें तो हमारे पास 360 डिग्री आता है. अगर घड़ी को और इसको घड़ी का जो मैक्सिमम लेवल है यानी कि मैक्सिमम हावर्स जो है वो 12 है और हमारे पास जो ये है इसमें मैक्सिमम जो है वो 360 डिग्री है. ठीक है, तो अगर इन दोनों को सामने रखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि 12 hours is equal to 360 degree, यानी 12 घंटों के जो एंगल है वो 360 डिग्री बन जाता है. ठीक है, अब यहाँ से 12 इधर मल्टीप्लाई होगा उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12 का टेबल इसमें जाएगा 30 times, तो 1 hour का एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का. हमें कितने घंटे का चाहिए? 4 का, यानी कि 4 घंटे का जो एंगल घड़ी में जो 4 बजे का एंगल बन रहा है वो हमने बताना है घड़ी की सुइयों का. तो 1 का तो हमारे पास आंसर आ गया 30. अब हमें 4 का चाहिए तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, 4 × 30 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री. तो हमें पता, तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि 4 पे जो घड़ी की सुइयां हैं उस पे जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का है. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड थीटा क्वेश्चन नंबर 4. ओके, वो कहता है कि थीटा की वैल्यू फाइंड करें. सबसे पहले मैं यहां पे एक दो फॉर्मूले लिख देता हूं. एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर. अब ये 3 फार्मूले हमें याद होंगे तो इसके जो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन है वो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो इन फार्मूले के मुताबिक वो कहता है थीटा की वैल्यू फाइंड करें, जबकि पहला पार्ट है इसका एल इज इक्वल टू 1.5 cm एंड आर इज इक्वल टू 2.5 cm. अब इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले फार्मूला लिखता हूं, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, एल की जगह एल की वैल्यू पुट करता हूँ, आर की जगह आर की वैल्यू पुट करता हूँ. अब इन दोनों को जस्ट हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है. डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 / 2.5, तो आंसर आ जाएगा 0.6. थीटा की वैल्यू आ गई 0.6. अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है. आपने जस्ट क्या करना है, दोनों को इसी तरह डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो इसके 2 ही पार्ट थे. अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एल. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड एल व्हेन. फर्स्ट पार्ट, एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि पहले पार्ट में थीटा की वैल्यू दी हुई है रेडियन में दी हुई है पाई और आर की वैल्यू उसने दी हुई है 6 cm. तो मैं बताता चलूं पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14. तो जस्ट हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है. एल का फॉर्मूला होता है आर थीटा, आर की जगह आर की वैल्यू लिखूंगा 6, थीटा की जगह 3.14 उसकी वैल्यू लिखूंगा. अब इस
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आंसर आ जाएगा 18.84, 18.84, तो ये हमारी वैल्यू आ गई n की। अब इसका दूसरा पार्ट भी कर देते हैं, दूसरा पार्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसको देखते हैं। दूसरे पार्ट में वो कहता है थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट, आर की वैल्यूज ने दी है 18 mm। तो सबसे पहले एक चीज जान लें, आपको पता होनी चाहिए कि जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। अगर डिग्री में वैल्यू आ जाए तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, उसके बाद हम वैल्यूज फार्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 65 + 20 / 60, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है, इसको 60 मिनट वाले को इसको प्लस करके 60 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया, 65/1 + 1/3, एलसीएम इसका आ गया 3। अब 3 को यहाँ पे 1 का टेबल, इस पर 3 टाइम जाता है ना, तो 65 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 195 + 1, ये आंसर आ गया 196/3, थीटा की वैल्यू आ गई 196/3 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पे 2 का टेबल जा रहा है, 3 का टेबल कितनी टाइम जा रहा है, अच्छा इसको 3 से भी हम काट सकते हैं, 3 का टेबल, बल्कि 3 से नहीं ये कटेगा, 2 के टेबल से काटते हैं, 2 का टेबल 9 टाइम जाएगा, 1 इधर 8 टाइम, इस पे 2 का टेबल जाएगा 90 टाइम। अब बाकी हमारे पास बचा है 98/3 डॉट पाई बाय 90, 2 का टेबल 45 टाइम और 2 का टेबल 44 टाइम, यानी बाकी हमारे पास बच गया 44π/, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 आ जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 44π/135। थीटा इज इक्वल टू 44π की जगह पुट करूंगा 3.14/135। तो आपने जस्ट क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 44 × 3.14, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 135 के साथ, तो टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.0234, ये आंसर आ गया हमारा रेडियन। और जो आर की वैल्यू थी वो 18 थी, देन एल इज इक्वल टू आर थीटा, 18 × 1.0234, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, मल्टीप्लाई 18, यानी कि 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0234, 18.4212, आंसर आ जाएगा हमारे पास 18.4212, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास एल का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें फाइंड करना है आर, तो सिंपल वैल्यूज हैं, आर का फॉर्मूला है एल ओवर थीटा, तो जो भी एल की वैल्यू दी होगी एल की जगह आपने पुट करनी है, थीटा की वैल्यू अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करें, रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे पुट कर दें, पुट करने के बाद दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।